गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें ही आपको बताई थी, आज प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि कितने बार इवेंट हो रहा है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि कितने टोटल्स हैं। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच ही आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपका 0 और 1 के बीच में ही आएगा, बहुत इंक्लूसिव। थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं किसी इवेंट के अगर हम उसको प्लस करते हैं तो उसका सम हमेशा 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे PE का मतलब है इवेंट, PE बार का मतलब है इवेंट डज नॉट हैपन इज इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा PE 1 माइनस PE बार सेम एज इट इज़, PE इज इक्वल टू 1 माइनस PE बार, यानी कि आपको एक इवेंट दे रखा होगा और दूसरा इवेंट निकालना हो तब आप इसका फॉर्मूला उपयोग करते हैं। कैसे, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताता हूँ। जैसे कि देखो, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन दे रखा है, PA = 0.23 देन पॉइंट PA बार इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, PA = 1 माइनस PA, यानी हम इसको PA बार लिख देते हैं, ठीक है। तो PA बार इक्वल टू 1 माइनस 0.23, अब 1 में से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.77। अब देखने कैसे करोगे तो ये देखो 1.00 माइनस 0.23, तो 10 में से आपका 3 गया 7, 9 में से आपका 2 गया 7 और ये आ गया 0.00। तो इस तरीके से हम निकाल लिए हमारा PA बार क्या आ गया, 0.77। इसी तरीके से आपको अगर PA बार दे देता है तब भी क्या करना है, आपको 1 में से माइनस कर दोगे आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना किया है, PA + PA = 1, अगर आपको एक देता है दूसरा निकालना हो तो 1 में से सिंपल माइनस कर दोगे आप, ठीक है। अब हम NCERT के क्वेश्चन करते हैं। अब इससे आगे प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको अपने साथ NCERT की बुक लेके बैठना होगा, क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये 9th क्लास के क्वेश्चंस हैं। पहले वाले क्वेश्चन तो मेरे पास है, मैंने लिख रखा है, बट बाकी के क्वेश्चनों के लिए आपको NCERT में से देखना होगा। जैसे कि देखो, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो सबसे पहले टोटल बॉल कितने हैं, देखो 30, हिट बाउंड्री 6 टाइम, टोटल बॉल हो गया हमारा 30, बाउंड्री हिट कर रहा है 6 टाइम्स, डिड नॉट हिट बाउंड्री यानी कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं जाता है, तो 30 - 6 = 24। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ नॉट हिटिंग ए बाउंड्री अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी बॉल कितने बॉल्स हैं, कितने बॉल्स में वो बाउंड्री हिट नहीं करता है। तो नंबर ऑफ नॉट हिट बाउंड्री देखो कितना आया था, 24 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 30, क्योंकि टोटल बॉल्स हमारे पास 30 है,
अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे क्या आया, 4/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर रेशियो में लिखना है तो 4:5, नहीं तो 4/5 लिखोगे, दोनों ही आंसर सही है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स का यूज करना होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिख रखा है। अब आगे जितने भी सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें क्वेश्चन आपको खुद एनसीईआरटी की बुक से देखना है। जैसे आपको देखो दे रखा होगा नो गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, वन गर्ल्स एंड टू गर्ल्स। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, और आपको उसमें दे भी रखा होगा कि कितने लोग हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिली हैविंग टू गर्ल्स, कितनी फैमिलीज हैं जिसके बीच में टू गर्ल्स हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट टू गर्ल्स, ए टू का मतलब है टू गर्ल्स। तो 475/1500, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एंड में 19/60 बचेगा। डिवाइड आप करके देख सकते हैं, 5 से डिवाइड करो, कम से कम 2-3 बार स्टेप में ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आप सिंपल अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स का हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल्स, इवन का मतलब क्या है, वन गर्ल्स, इवन देखो वन गर्ल्स, तो 814/1500 = 407/750। इसको 2 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 407/750 आएगा। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ई नोट का मतलब क्या है, नो गर्ल्स, समझ गए, ई नोट का मतलब है नो गर्ल्स, यानी 211/1500। अब सबको जोड़ लो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है, ई नोट यानी कि नो गर्ल्स, ई वन यानी कि वन गर्ल्स, ई टू यानी कि टू गर्ल्स। देखो सबका लिख दिया 211/1500, 814/1500, 475/1500। अब मैंने पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी की निकालने के लिए सबको ऐड कर दोगे तो एट द एंड में क्या आएगा हमारा, 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ही निकाला जाता है। तो 1500/1500 दोनों को काट दिए तो 1 आ गया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारा 1 ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो डायग्राम दे रखा होगा, डायग्राम में देखो आप एक हिस्टोग्राम बना है जिसमें 6 स्टूडेंट बॉर्न इन एम द मंथ ऑफ अगस्त आउट ऑफ 40 स्टूडेंट। आपको डायग्राम मिलेगा क्वेश्चन में, डायग्राम पे जाना है, डायग्राम में देखोगे तो आपको 6 जो स्टूडेंट है वो बॉर्न यानी कि जन्म लिए कौन से मंथ में, अगस्त के महीने में, तो और कितने टोटल बच्चे हैं, 40। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल लगाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बॉर्न कितने स्टूडेंट हैं, 6, टोटल हैं 40, तो 3/40 अगर हम 2 से इसे डिवाइड कर देते तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लिए आपको अपनी बुक को साथ लेके बैठना है, बिना क्वेश्चन के आपको आंसर समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी की बुक लेके अपने साथ बैठें। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपने एनसीईआरटी बुक 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 कॉइन टॉस 200 टाइम्स, दो टोटल कितने टाइम्स हैं, 200 टाइम, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 200, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, देखो आपके क्वेश्चन में दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग टू हेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो देखो आपको टू हेड्स वाले बॉक्स में आपको दे रखा होगा 72/200, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 36/100, और इसको जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.36, और अगर पॉइंट में ले जाओगे तो 4 9 36, 4 से 100 को डिवाइड करो 25। तो आपका ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 4 में देखो हेड दे रखा होगा 72 और ये टोटल थे 200, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड करो, क्वेश्चन देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिली दे रखा होगा आपका 2400, टोटल 2400 फैमिली है। अब उसके बाद देखो कह रहा है अर्निंग नंबर ऑफ फैमिली 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनली अर्जेंटली 2 व्हीकल्स, कम से कम 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो जैसे पहले वाले में देखो 29 था, तो 29/2400, नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर
पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल्स, यानी कम से कम एक व्हीकल्स होना चाहिए। तो इस वाले में देखो आपको करना है 579 अकाउंट में 2400, आपको ऐड भी करना है यानी कि चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव ओनिंग व्हीकल, जिनके पास अपने एक भी व्हीकल्स ना हो, तो ये है 10 अकाउंट में 2400। तो ये आ गया आपका 240। नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग 13000 टू 16000 पर मंथ एंड अर्निंग नॉट मोर देन टू व्हीकल्स 25 अपॉन में 2400, इसको 25 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 अपॉन में 400 समथिंग आएगा। देखो 5 से डिवाइड किए 5 4 20 5 8 40 0, फिर 5 से डिवाइड करो 5 5 5 9 45 5 6 20, तो 1 अपॉन में 96 आ गया। अब देखो लास्ट में है नंबर ऑफ फैमिली ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल्स, यानी ऐसी फैमिली जिसके पास एक भी व्हीकल्स ना हो, तो क्या नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नो व्हीकल्स अपॉन में फैमिली हैविंग वन व्हीकल्स, यानी कि इन दोनों ही टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो पहले ये नहीं है, जैसे 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, और एक भी है कम से कम एक व्हीकल्स 160 305 535 469 575, दोनों को ऐड कर दो तो आपका आया 2162। फैमिली ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल्स, यानी जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स में कितनी है 2162 अपॉन में 2400, इन दोनों को कर दो तो 1031 अपॉन में 1200। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए आप क्वेश्चन एक बार जरूर रीड करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स 90, टोटल स्टूडेंट है 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20 मार्क्स कितने हैं 7 है, प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, स्टूडेंट इन 60 एंड से 70 के बीच में कितने हैं और कितने बच्चों के 70 से अबव हैं, तो पहले हैं 15 जिनके मार्क्स 60 से 70 हैं और अबव 70 में 8 स्टूडेंट हैं, तो दोनों को ऐड कर दो तो आपका होगा 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन मार्क्स 60 एंड अबव इज इक्वल टू 23 अपॉन 90, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होगा। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है आप लोगों को क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का ही यूज करोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन उसके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अदर भी लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके विद सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।